नमस्कार साथियों, मैं राम पचौरी आपका स्वागत करता हूँ पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, किडनी की स्ट्रक्चर को लेकर के। ठीक है, जब भी हम यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जो मेन जिसके लिए पढ़ना होता है वो होता है किडनी। ठीक है, तो आज हमारे को देखना है कि किडनी की स्ट्रक्चर, उसकी शेप एंड साइज, उसका पोजीशन, और इसके अलावा उसके जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज अपन स्टार्टिंग करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को लेकर के। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो आप किडनी का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका जो मेन फंक्शनल यूनिट जो होता है किडनी का, ठीक है, मेन फंक्शनल यूनिट जो होता है किडनी का वो क्या होता है, नेफ्रॉन। ठीक है, यानी कि हमारी जो किडनी है वो किससे मिलकर के बनी हुई है, नेफ्रॉन से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके द्वारा क्या बनाया, हमारा किडनी बना हुआ है। अब हम कहें कि किडनी हमारे कौन से कैविटी के अंदर पाया जाता है, तो हम बोलते हैं कि कैविटी जो है इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है, बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, किडनी का शेप और साइज देखना है। स्टार्टिंग हमारे को क्या क्या करनी है कि पहले अपन देखेंगे कि उसका क्या शेप होता है, क्या उसका साइज होता है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे किडनी की पोजीशन क्या क्या है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि वर्टिब्रा के रेस्पेक्ट में हमारी किडनी कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन कहेंगे कि इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन क्या है। ठीक है, यानी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे को किडनी के आगे वाले हिस्से में दिखती है, और कौन से स्ट्रक्चर किडनी के पीछे वाले स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसकी कवरिंग, यानी कि किडनी को कौन कौन से जो है लेयर हैं जिनके द्वारा कवर किया जाता है, और लास्ट में फिर अपन इसके देखेंगे फंक्शन। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है कि ये सारी चीज़ें वन बाई वन अपने को तैयार करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ आपकी शेप एंड साइज से लेकर के। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फाइव। ठीक, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ नए टॉपिक से। ठीक है, ये देखिए, तो सबसे पहले अपन देखें किडनी का शेप और साइज। ठीक है, जब भी हम किडनी को देखते हैं तो किडनी का जो शेप होता है आपका एक बीन शेप स्ट्रक्चर में दिखता है, जैसे सेम का बीज होता है उस आकार की किडनी हमारे को दिखाई देती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये कैसा है, बीन शेप्ड होता है। और अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज कितना होगा, हम बोलेंगे 11 सेंटीमीटर, ग्यारह सेंटीमीटर जो है आपका लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर जो है विड्थ है इसका, और 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। ठीक है, मतलब 11 बाई 6 बाई 3, ये आपका नॉर्मल आपका किडनी का जो है साइज है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर इसकी पोजीशन को लेकर के। ठीक है, कि किडनी की पोजीशन क्या है। तो हमने क्या है कि किडनी की पोजीशन जब हमारे को देखनी है, तो लास्ट मैंने एनाटॉमी का जब एक वीडियो बनाया था आपके इंट्रोडक्शन वीडियो के तौर पे, तो मैंने बताया था कि हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको हमने 9 रिजल्ट के अंदर बांटा है। ठीक है, 9 रिजल्ट के अंदर हमने इस एब्डोमिनल कैविटी को बांट दिया था। ठीक है, तो इसमें हमने कहा था कि सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। क्या कहलाता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है वो आपका ये वाला। इसके बाद ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन। ठीक है, और जो तीसरा रीजन होता है इसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, क्या कहलाता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, अब ये तो 3 रीजन हो गए। अगर हम इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो यहां पर ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। इसको बोलेंगे हम लेफ्ट लंबर रीजन। क्या कहेंगे, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा हमारा, लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है, लेफ्ट लंबर रीजन। ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, राइट लंबर। और ये जो है आपका नीचे वाला इसको बोलते हैं कि लेफ्ट इलियक फोसा। ठीक है, लेफ्ट इलियक फोसा। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट इलियक फोसा।
अब हमारे को यहाँ किडनी की स्ट्रक्चर डिफाइन करनी है, तो हमारे को किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो इन रीजन्स के अंदर पाया जाता है, एपिगैस्ट्रिक अम्ब्लाइकल और हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक अम्ब्लाइकल और हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, और साथ ही साथ इसके अंदर ये क्या है, लंबर रीजन। मतलब किडनी हमारे को यहाँ कहीं इस तरीके से प्रेजेंट दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर किडनी हमारे को दिखाई देगी, और ये किडनी क्या होगी, नीचे यूरेटर्स में जाकर के लास्ट में क्या करेगी, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा जो किडनी है वो क्या है, आपके एपिगैस्ट्रिक हाइपोकॉन्ड्रिक जो अम्ब्लाइकल रीजन है, साथ ही साथ ये लंबर रीजन को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन के अंदर कि ये वर्टिब्रा के रेस्पेक्ट में 12वीं थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के और तीसरी जो लंबर वर्टिब्रा है वहाँ तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरी लंबर वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ क्या होगा, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन को इन्वॉल्व करेगा, इसके अलावा अम्ब्लाइकल रीजन को इन्वॉल्व करेगा, और साथ ही साथ हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियम और लंबर रीजन को इन्वॉल्व करते हुए चलता है। ठीक है, ये चीज़, तो ये चीज़ आपको समझ आई, शेप और साइज हमारे को क्या है कि बीन शेप्ड साइज का होता है, और हमारे को कलर में देखने को मिलता है कैसा, ब्राउन कलर का किडनी देखने को मिलता है। ठीक है, कैसा मिलता है, ब्राउन कलर का किडनी मिलता है, और आपका साइज कितना होता है, 11x6x3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एक तरीके का क्या है, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है। क्या है, एक तरीके का रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, ठीक है, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है, क्योंकि हम देखें तो जब किडनी को हम देखते हैं तो अब जो आउटर सरफेस है, बाहर की तरफ हमारे को देखोगे तो सबसे पहले जो एंटीरियर व्यू है उसके अंदर हमारे को इंटेस्टाइन, लीवर और अदर सर्फेसेस दिखती हैं। जब आप इंटेस्टाइन को हटाओगे, लीवर को हटाओगे और ऊपर की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हटाओगे, तब हमारे को किडनी दिखाई देती है। जैसा कि मैं एक डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, देखें ये डायग्राम आपका है, इसके अंदर ये देखिए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये बीन शेप्ड जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये किडनी है। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो ब्राउन कलर की दिख रही है वो हमारी क्या है, किडनी पाई जा रही है। ठीक है, और ये किडनी जो है ये क्या है, इसके अंदर ये जो है, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, आपका आर्टरी है जो ब्लड लेकर के आ रही है। ठीक है, एक सेकंड, कलर दूसरा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, इसकी जो आर्टरी है वो ब्लड लेकर के आ रही है, और ये जो दिख रही है हमारे को ये क्या है, वेना केवा है। ठीक है, ठीक है, ये जो है हमारे क्या करेगी, जो वीनस ब्लड है उसको कलेक्ट करके लेके जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रीजन में पाई जाती है। तो जब आप इंटेस्टाइन को, लीवर को, इनको हटाएंगे उसके बाद हमारे को क्या दिखाई देगी, स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसके बाद मैं देखो आगे के स्ट्रक्चर्स में क्या बताऊँगा कि इसके रिलेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके रिलेशन क्या क्या होते हैं, देखिए ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये तो आपके क्या है, किडनी को डिफाइन कर रही है कि ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, और ये यूरेटर जो है आपके क्या है, आपके दिखाई दे रहे हैं ये यूरेटर है। ठीक है, देखिए ये क्या है, यूरेटर है, ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि जो आपका यूरिन है वो कलेक्ट होकर के क्या करेगा, इस वाले एरिया में पहुँचेगा, और ये जो है क्या कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। ठीक है, और ये किडनी की जब जनरल पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे जब हमारे को इसमें समझ आएगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स किडनी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगले डायग्राम में देखें, देखो ये देखें, इसके अंदर ये जो डायग्राम है ये हमारे को बता रहा है रिलेशन ऑफ द किडनी। ठीक है, ये डायग्राम हमारा क्या बता रहा है, रिलेशन ऑफ द किडनी। ठीक है, रिलेशन ऑफ द किडनी, यानी कि हमारे को क्या देखना है कि जब एंटीरियर व्यू से किडनी को हम देखेंगे तो इनमें कौन कौन से इंप्रेशन हमारे को दिखाई देते हैं। तो देखिए, एक तो किडनी के ऊपर ऊपर की तरफ हमारे को एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, तो हमारे को सुप्रारीनल ग्लैंड का क्या है, इंप्रेशन दिखाई देगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पर आपके लीवर वाला पोर्शन पाया जाता है, इसीलिए ये हेपेटिक एरिया है। यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला पोर्शन क्या है, ड्यूडेनल एरिया, क्योंकि यहाँ पर आप किडनी के आगे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर हमारे को स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम है वो दिखाई देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है, कॉलिक एरिया है, जहाँ पर आपको कॉलन दिखाई देता है, और लास्ट में ये जो है
ये किडनी का जेजुनल एरिया, ये देख रहे हैं ये जेजुनल एरिया है, ये कॉलिक एरिया है, ये क्या है इसका ड्यूडेनल एरिया जहाँ पर आपके ड्यूडेनम प्रेजेंट है इस जगह, और ये क्या है आपका सुप्रा रीनल एरिया, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जा रही है, यहाँ पर पाई जा रही है सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है आपका एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये आपके क्या है किडनी के राइट किडनी के रिलेशन, लेफ्ट किडनी के रिलेशन में बात करें तो देखिए आपके सुप्रारीनल ग्लैंड जो होती है वो तो दोनों तरफ पाई जाती है, तो इधर भी आपको सुप्रारीनल ग्लैंड मिलेगी, यहाँ पर इसका क्या है स्टोमक पाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या मिलेगा स्टोमक प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये इंप्रेशन हमारे को क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंप्रेशन दिखा रहा है कि यहाँ पर कहीं स्प्लीन प्रेजेंट होगी, इसका एरिया आपको स्प्लीन वाला यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद ये जो पोर्शन है वो इंडिकेट करता है पैनक्रियाज को, ठीक है, ये इंडिकेट क्या करेगा पैनक्रियाज को, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है कॉलन वाला, जो आपके इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका बड़ा वाला पार्ट है, वो क्या करता है आपके कॉलिक एरिया इस लेफ्ट किडनी को एडियर करता है, ठीक है। और ये क्या है जेजुनम वाला पार्ट है, ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो तीन हिस्से होते हैं ड्यूडेनम जेजुनम, तो ये जो जेजुनम वाला पार्ट है वो लेफ्ट किडनी वाले पार्ट को क्या करेगा उसके आगे पाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरे क्या करती है किडनी की आपके रिलेशंस को बताती है कि किडनी के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है और पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किडनी की क्या एंटीरियर रिलेशन को बता रही है। अगर हम इसके पोस्टीरियर रिलेशन को बात करें, अगर हम किडनी को पीछे से देखेंगे तो हमारे को क्या करेंगे एब्डोमिनल वॉल की मसल्स हैं वो हमारे को दिखाई देती है। अगले डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पोस्टीरियर व्यू है वो हमारे को किडनी का कैसे दिखाई देता है। देखिए ये देखिए अपन ने जो किडनी के रिलेशन पढ़े हैं इसके अंदर अब पोस्टीरियर वाला जो व्यू है उसको हमारे को देखना है। एंटीरियर व्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पोस्टीरियर व्यू में अब हमारे को क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो है किडनी के अंदर दिखाई देंगी उन पोस्टीरियर व्यू को हम यहाँ डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले किडनी के अंदर देखें तो अपने जो है जो अपनी रिब्स पाई जाती है, ठीक है, हमारे जो रिब्स पाई जाती है उनके अंदर 12 जोड़ी जो रिब्स हैं उनके अंदर आपकी 11th और 12th रिब है, ठीक है। ये 11th और 12th रिब जो होती है वो हमारे क्या करती है किडनी के प्रोटेक्शन करने का काम करती है, ठीक है। इन रिब्स को अपन क्या बोलते हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, क्या है ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, ठीक है, ये क्या कहलाती है फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर व्यू के अंदर क्या है कि आपको जो है ये वाली 12th रिब दिखाई दे रही है, ठीक है, और इधर आपको ये वाली 12th रिब दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 11th और 12th रिब के इंप्रेशन दिखाई देते हैं और इधर आपको 12th रिब का इंप्रेशन दिखाई देता है। इसके अलावा किडनी के अंदर देखें तो ये वाला जो है एओटा इसके अंदर पाया जाता है जो किडनी के अंदर जो ब्लड लेकर के जाएगा और इन्फीरियर वेना केवा जो ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगा, ठीक है। ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है, इसमें क्या होता है कि पीछे की तरफ देखें तो एब्डोमिनल वॉल की कुछ मसल्स हैं जो हमारे को यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे तीन तरह की मसल्स हैं हमारे को यहाँ दिखती है, एक तो होती है आपकी पहली जैसे बोलते हैं ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ठीक है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल हमारे को दिखेगी। इसके अलावा दूसरी मसल आपकी है क्वाड्रेटस लंबोरम और तीसरी मसल जो हमारे को दिखती है वो होती है सोआस मेजर, ठीक है। ठीक है, तो हमारे को तीसरी मसल जो दिखती है सोआस मेजर मसल, ये तीन मसल्स हैं जो हमारे को किडनी के पोस्टीरियर व्यू में दिखाई देती है। ये एब्डोमेन की क्या है पीछे वाली मसल्स हैं जो हमारे को पिछले हिस्से से, जब किडनी को आप पीछे से पलट के देखोगे तो ये सारी स्ट्रक्चर्स अपने प्रेजेंट होती है। अब ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली, अब किडनी का जो है कवरिंग्स कौन कौन सी है और जब टीएस सेक्शन हम काटे किडनी का तो अंदर से हमारे को स्ट्रक्चर्स में क्या क्या दिखता है वो अपने अगले डायग्राम के अंदर देख के बताएंगे, ठीक है। ये देखिए मेन जो किडनी का हिस्सा है, ठीक है, जो अभी तक हम किडनी के स्ट्रक्चर को 11 12th के अंदर पढ़ते आए हैं वो ये पढ़ते हैं। 11th और 12th के अंदर किडनी के अंदर हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि अगर एक किडनी को हम टीएस सेक्शन काट के देखें तो हमारे को किडनी में क्या दिखाई देगा। तो ये देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये बर्तिनी के कॉलम है, ये क्या कहलाते हैं कॉलम ऑफ बर्तिनी, ठीक है, कॉलम ऑफ
बर्तीन, ठीक है, ये क्या कहलाता है, कॉलम ऑफ बर्तीन। और बाहर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसको कवर कर रही है किडनी को, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमारा रिनल कैप्सूल। रिनल कैप्सूल के द्वारा हमारी किडनी क्या है, कवर्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, कई सारे कैलेसेस पाए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कैलेसेस कहलाते हैं आपके, ये माइनर कैलेसेस। और ये माइनर कैलेसेस क्या करते हैं, आगे चलकर के किसमें कन्वर्ट होते हैं, मेजर कैलेक्स के अंदर। और यहां पर आपको जो है किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, वो आपको यहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और किडनी के हिस्सों को हमने क्या किया, दो रीजन में बांटा। बाहरी रीजन जो अपना बाहर की तरफ होता है वो होता है कॉर्टेक्स, और अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, मेड्यूला कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सारा का सारा कलेक्शन जो होगा वो यूरिन का फॉर्मेशन होकर के क्या करता है, इस रिनल पेल्विस वाले रीजन में लेकर के आता है, और रिनल पेल्विस से ये जो यूरिन है वो कलेक्ट होकर के, ये जो हिस्सा है इसको आप क्या कहते हो, हाइलम कहते हो। क्या कहते हो, ये वाला हिस्सा है ये जो आपका है, इसको आप क्या कहते हो, हाइलम, ठीक है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या दे रखा है, एक कॉर्टिकल ग्लोमेरुलस है जो कि आपके कॉर्टिकल रीजन में पाया जाता है, माइनर कैलेसिस है। इसके अलावा दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं, एक तो आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, ठीक है। ये जो माइनर कैलेक्स है वो किस में कन्वर्ट हुए, मेजर कैलेक्स के अंदर। ये आपको जो दिखा रखा है वो रिनल कैप्सूल है जो अभी मैंने बताया था, ठीक है। इसके बाद ये जो है इसका आउटर सरफेस जो कॉर्टेक्स है, और इसका इनर सरफेस ये क्या है, मेडुला है, ठीक है। इसके अंदर रीनल आर्टरी जो कि किडनी की उनको सप्लाई करती है ब्लड, वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। रीनल वेन जो है वो क्या करेगी, किडनी के सारे हिस्सों से ब्लड को कलेक्ट करके लेकर के आएगी, ठीक है। और ये क्या है, इसका पेल्विस वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है। ये जो पेल्विस है लास्ट का जो मेन कॉलम पार्ट होता है, इसको आप क्या कहते हो, हाइलम कहते हो, ठीक है। और लास्ट में ये किस में ओपन होगा, यूरेटर के अंदर। और यूरेटर ही जो है क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट किडनी से लेकर के यूरिन को कलेक्ट करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन है हमारे किडनी के स्ट्रक्चर को लेकर के, क्या क्या किडनी के स्ट्रक्चर में है, मेनली कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर ये बटा हुआ है। इसके अंदर माइनर कैलेसिस होते हैं जो कलेक्ट होकर के मेजर कैलेक्स बनाते हैं, और मेजर कैलेक्स जो है वो आगे चलकर के रीनल पेल्विस के अंदर ओपन होता है, और रीनल पेल्विस जो है हाइलम वाले रीजन से क्या करेगा, इस यूरेटर के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल हमने क्या करा, किडनी के बारे में पढ़ा। और किडनी का मेन काम हमारा क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है। मतलब यूरिन का फॉर्मेशन और हमारे बॉडी के जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम हमारा किडनी करता है, ठीक है। तो ये जो है आपके किडनी के पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब हमारे को क्या देखना है, देखिए कि किडनी के अंदर कौन कौन से जो है कवरिंग्स हैं जो पाई जाती है। जो लास्ट टॉपिक अपना कवरिंग वाला रह गया, उसके अंदर हमारे को क्या देखना है कि कौन कौन सी कवरिंग्स पाई जाती है। तो देखिए ये आपको जो दिख रहा है, ये वाला एरिया येलो कलर वाला, ये क्या है आपका, किडनी है। किडनी के बाहर की तरफ ये जो हिस्सा है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये किडनी का रीनल कैप्सूल है। क्या है, रीनल कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है आपका, ये ग्रीन कलर का ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ग्रीन कलर का, ये वाला, ये आपको दिखा रहा है पेरी रीनल फैट। यानी पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, यानी कि किडनी के चारों तरफ जो फैटी लेयर है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पेरी रीनल फैट कहलाता है, ठीक है। पेरी रीनल फैट के चारों तरफ क्या होगा, आपको ये रेड कलर में ये जो कवरिंग है, ये रेड कलर की कवरिंग क्या कहलाती है, इस किडनी की फेशिया प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं आप, रीनल फेशिया, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं इसको, देखो ये वाला जो है इसको यहां लिख देते हैं, ये पाए जा रहे हैं रीनल फेशिया। ये रीनल फेशिया क्या करते हैं, किडनी को कवर करके रखते हैं, ठीक है। और इनके बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, ये पिंक कलर की, ये स्ट्रक्चर जो है क्या कहलाती है आपके, ये स्ट्रक्चर पैरा रीनल फैट है। यानी कि आपके जो रीनल फेशिया के चारों तरफ ये जो फैट की लेयर है, इसको आप क्या कहते हो, पैरा रीनल फैट के नाम से
जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारे किडनी के बारे में है कि किडनी का हमारे को कभी भी ग्रॉस एनाटॉमी लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, कि पहले अपन उसका शेप और साइज बताएंगे कि वो दिखने में कैसी है, फिर उसके बाद अपन उसके रिलेशंस के बारे में बताएंगे कि एंटीरियरली किडनी के क्या पाया जाता है, पोस्टीरियरली किडनी के क्या पाया जाता है, फिर उसके बाद अपन इसके क्या करते हैं कवरिंग बता सकते हैं, और एक जनरल स्ट्रक्चर के किडनी के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर ये जनरल बटा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगला आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि जो मेन फंक्शनल यूनिट है आपके नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, और वो यूरिन का फॉर्मेशन हमारा जो है नेफ्रॉन के अंदर किस तरीके से होता है, वो हमारे अगले आने वाले वीडियोस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ग्रॉस एनाटॉमी का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड आए तो आपको इसी पैटर्न के अंदर लिखना होगा, ठीक है। अगले आने वाले वीडियो में मिलते हैं, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।